सर्जरी शल्य चिकित्सा। बच्चों आज शुरू करते हैं सर्जरी के बारे में अध्ययन। सबसे पहले इसकी परिभाषा की तरफ गौर करें तो परिभाषा कहती है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें चोट या बीमारी का इलाज हाथ के द्वारा किया जाता है। तो हम सभी ये सरप्राइज करते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे हम हाथ से इलाज करेंगे। देखिए, इलाज का मतलब है कि यदि आप किसी पेशेंट को या रोगी को इंजेक्शन लगा रहे हैं तो भी आप हाथ का उपयोग कर रहे हैं, नहीं, वहां आपने औषधि दी है। लेकिन अगर किसी पेशेंट का या रोगी का फ्रैक्चर हो गया है और उसको आप ठीक करते हैं तो वहां आपने हाथ का उपयोग किया है, इसलिए उसको हम सर्जरी कहते हैं। किसी अंग को हटाया है या किसी अंग को हमने पुनः ठीक किया है, वहां हमें हाथ यानी ऑपरेशन की जरूरत है तो उसे हम सर्जरी कहते हैं। यदि हम ड्रेसिंग भी कर रहे हैं, यदि हम पट्टी भी बांध रहे हैं, एक एब्सेस को भी रिमूव कर रहे हैं, यह सब प्रक्रिया सर्जरी के अंदर आती है जिसे हम माइनर व मेजर सर्जरी में पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, अब हमें ये जानना है कि ये सर्जरी शब्द आया कहाँ से। इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से और शब्द लिया गया था किरुर्जिया। पढ़ने में ये चिरुर्जिया आता है बच्चों, लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है किरुर्जिया। किरुर्जिया दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है कीर और एक है अर्गोन। कीर का मतलब होता है हाथ और अर्गोन का मतलब होता है कार्य। इसका मतलब जब कोई भी बीमारी का इलाज हम हाथों के द्वारा करेंगे उसे हम सर्जरी कहते हैं, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनके बारे में हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। आप चित्र में भी देख रहे हो कि हमने यहाँ औषधि नहीं दी है, यहाँ पर हमने उस अंग की स्थिति को, उस अंग के किसी रोग को ठीक करने के लिए ऑपरेशन या हाथों का सहारा लिया है, इसलिए इसे हम सर्जरी कहते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले जनरल सर्जरी की तरफ। आप सभी जानते हैं बच्चों, जनरल सर्जरी का मतलब होता है जब हम एनेस्थीसिया के अंदर एक सर्जरी करते हैं जिसमें शरीर का किसी भी भाग को हम बिना प्रतिस्थापन के या निकाले उसकी सामान्य क्रियाओं को पुनः संपादित करते हैं। इसे हम रिस्टोरेटिव सर्जरी भी कहते हैं, यानी अगर आप लेप्रोटॉमी कर रहे हो तो लेप्रोटॉमी जनरल सर्जरी में आती है। इसे आप मेजर सर्जरी कह सकते हो क्योंकि उसमें लंबा समय लगता है, एरिया बड़ा है, लेकिन वह पार्ट जनरल सर्जरी का ही है। जनरल सर्जरी में सभी प्रकार की सर्जरी आती हैं। अगर सर्जरी बड़ी है तो उसके लिए हमें जनरल एनेस्थीसिया चाहिए, अगर सर्जरी छोटी है तो उसके लिए हमें लोकल एनेस्थीसिया चाहिए। दूसरी सर्जरी की बात करते हैं, मेजर सर्जरी। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, रूमेनाटॉमी दिखाया गया है। जब सर्जरी शरीर के किसी बड़े भाग या अधिक समय के लिए की जाती है उसे हम मेजर सर्जरी कहते हैं। मेजर का मतलब ही होता है बड़ा। यहाँ बड़ा समय भी हो सकता है और बड़ा क्षेत्र भी हो सकता है। एग्जाम्पल है रोमेनाटॉमी, लेप्रोटॉमी, यूरिथ्रोटॉमी। ज्यादातर यह सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, लेकिन रोमिनेंट पशुओं में कुछ सर्जरी हम पैरावर्टिब्रल ब्लॉक या रीजनल एनेस्थीसिया के द्वारा भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एक शब्द है रोमेनाटॉमी। आप ध्यान रखिएगा, जहां पे भी टॉमी शब्द लगता है इसका मतलब होता है ओपन करना, यानी हमें किसी अंग को खोलना है। रूमन को खोलना है तो रोमेनाटॉमी, अगर उदर गुहा को खोलना है तो लेप्रोटॉमी, यूरिथ्रा को खोलना है तो यूरिथ्रोटॉमी। इसी तरीके से हम टॉमी शब्द लगाते हैं उन अंगों के आगे जहां हमें खोलना होता है। अगर एक्टॉमी शब्द लग जाता है तो आप समझिए बच्चों, इसका मतलब होता है हटाना। जब किसी अंग को हटाया जाता है तो हम एक्टोमी शब्द का उपयोग करते हैं। तो मेजर सर्जरी आपको समझ में आ गया, वो सर्जरी जिसमें समय अधिक लगे और क्षेत्र बड़ा हो। अगली आती है बच्चों ऑर्थोपेडिक सर्जरी। ऑर्थोपेडिक का मतलब होता है जोड़ों या हड्डियों से संबंधित सर्जरी को हम ऑर्थोपेडिक कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्सटिर्पेटिव सर्जरी की। एक्सटिर्पेटिव का मतलब होता है रिमूवल करना यानी निकाल लेना। एक्सटिर्पेटिव सर्जरी, जब किसी अंग को निकाल लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं एक्सटिर्पेटिव। जैसे इसे सब टोटल सर्जरी भी कहते हैं। इसमें शरीर के किसी अंग के केवल एक भाग को अलग किया जाता है, जैसे ओवेरोहिस्टेक्टोमी, गर्भाशय को निकालना, या ई न्यूक्लिएशन ऑफ आई, आंखों को निकालना। बच्चों, ओवेरो का मतलब हो गया ओवरी, हिस्टरेक्ट का मतलब हो गया गर्भाशय, और जब दोनों को हटा लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं ओवेरोहिस्टेक्टोमी। यह प्रक्रिया कुतिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है और इसे हम स्पेइंग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हमने शरीर से एक अंग हटा लिया गया है, इस सर्जरी का प्रकार होता है एक्सटिर्पेटिव।
और इसे हम ओवेरोहिस्टेक्टोमी भी कहते हैं। इसी तरीके से जब आंखों को निकालते हैं तो उसे हम ई न्यूक्लिएशन ऑफ आई कहते हैं। अगली आती है कॉस्मेटिक सर्जरी। बच्चों, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक में आपको ध्यान रखना है, कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है जहाँ पशुओं को सुंदर बनाना होता है, जबकि प्लास्टिक सर्जरी हम करते हैं जब कोई विकृति आ जाती है, डिफॉर्मिटी आती है, उसको दूर करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। जैसे ईयर क्रॉपिंग, कुछ डॉग्स होते हैं जिनके कान लटक जाते हैं, ऐसे कुत्तों के कानों को सीधा करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जो कि प्लास्टिक सर्जरी में आती है, इसे हम ईयर क्रॉपिंग कहते हैं। टेल डॉकिंग यानी पूंछ का विच्छेदन कर देना टेल डॉकिंग कहलाता है। यह टेल डॉकिंग ज्यादातर डॉबरमैन कुत्तों में की जाती है, केवल सुंदरता के लिए, इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसके बाद आपने गायों में देखा होगा कि कुछ एडिशनल टीट मिलते हैं, यानी चार से अधिक कुछ छोटे थन मिलते हैं जो रूडिमेंट्री होते हैं। इन रूडिमेंट्री टीट्स को हम सुपर न्यूमेरी टीट्स भी कहते हैं, यानी अधिक संख्या में जब छोटे टीट उग जाते हैं वो सुपर न्यूमरी टीट कहलाता है। इसको भी हम हटा सकते हैं, इसे भी हम कॉस्मेटिक सर्जरी की श्रेणी में ही लेते हैं। अगला आता है रेडिकल सर्जरी। किसी बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे हम रेडिकल सर्जरी कहते हैं। इसके साथ साथ हम आसपास के अंगों को भी हटा लेते हैं। जैसे नियोप्लाज्म की बात करें, कैंसर के केसेस में ट्यूमर को हटाते हैं और उसके आसपास के ऊतकों को भी हटा लिया जाता है, ताकि कैंसर से संबंधित कोई भी क्षेत्र वहां ना रहे और दोबारा कैंसर होने की संभावना ना बने। इसलिए इसे हम रेडिकल सर्जरी की श्रेणी में लाते हैं। अब देखते हैं बच्चों, शल्य चिकित्सा क्यों की जाती है। बहुत सारे कारण हैं, जीवन को बचाने के लिए, इसके अलावा जो भी कार्य थे उस ऑर्गन के उनको पूरी तरह से वापस करने के लिए, अच्छी रिकवरी करने के लिए। कई बार कॉस्मेटिक कारण भी होते हैं जहाँ पर हमें सुंदर बनाने के लिए पशुओं को सर्जरी करनी पड़ती है। इसके अलावा करेक्शंस ऑफ डिफॉर्मेटेड यानी विकृति को दूर करने के लिए, जैसे प्लास्टिक सर्जरी हो गई, इसके अंदर शरीर के खोए हुए भाग को कृत्रिम रूप से लगाना है, आर्टिफिशियल आई, आर्टिफिशियल लिम्ब के रूप में। पशु से आर्थिक लाभ लेने हेतु या सरल स्वभाव बनाने हेतु, जैसे कास्ट्रेशन करते हैं तो पशु शांत हो जाता है और पशु का वेट भी बढ़ने लग जाता है। डीहॉर्निंग, इसमें भी पशु शांत हो जाता है। पशु को सुंदर बनाने के लिए, जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी का ही भाग है, जैसे ईयर क्रॉपिंग करना, टेल डॉकिंग करना, इन सब कारणों के कारण सबसे प्रमुख कारण इनमें जीवन को बचाना है, और सर्जरी इसीलिए की जाती है ताकि पशु को रोगों से मुक्ति मिले। बात करते हैं शल्य चिकित्सा की। जो हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं और शल्य चिकित्सा के जो प्रकार पढ़े हैं, उसके बाद उनसे उत्पन्न होने वाले सारे प्रश्नों को हमेशा की तरह मैं अब आपको ऐसे दो सेक्शंस दे देता हूं जहां से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको इस चैप्टर को वापस रिवाइज करना है तो इन 10 क्वेश्चंस को आप देखिए, और हमेशा की तरह एक बार फिर नोट करिए कि प्रत्येक प्रश्न को पूरी तरीके से पढ़ना है और उसके बाद उनके आंसर्स को भी आपको, यानी ऑप्शंस को भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो हमें कहाँ कहाँ देखना होगा, एक तो सबसे पहले जितने भी सर्जरी के प्रकार हैं उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण, यानी आप समझिए कि कुछ आपको एग्जाम्पल दे देंगे कि यह ऑपरेशन किस प्रकार की सर्जरी में आता है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना है। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस बनेंगे पूरे पेपर में यहाँ से, लेकिन हम 10 क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं जिससे आपका पूरा पेपर रिवाइज हो जाए। पहला क्वेश्चन लेते हैं, शल्य चिकित्सा शब्द की उत्पत्ति हुई है, और आप सभी जानते हैं केवल शब्द की बात करी है। शब्द कौन सा था? लैटिन वर्ड किरूर ग्रिया, जिसका मतलब क्या था बच्चों? आपको याद आ रहा होगा कि जहां हम हाथ से कोई बीमारी का इलाज करते हैं उसे हम किरूर ग्रिया कहते हैं, और आपका इसके अंदर आंसर जाएगा ए। देखिए, सर्जिया कोई शब्द नहीं होता, सर्गोन कोई शब्द नहीं होता, हालस्टेड ने सर्जरी के सिद्धांत दिए थे, इन चारों को पढ़ने से प्रथम दृष्टया आपको पता है कि किरूरगिया शब्द आता है, जो कि एक लैटिन शब्द है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हर्निया का ऑपरेशन शल्य चिकित्सा की किस ब्रांच से संबंधित है? तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर ऑपरेशन के बारे में दे दिया और उससे संबंधित प्रकार का पूछ रहे हैं। ऑपरेशन कौन सा है? हर्निया ऑपरेशन करना है। और बच्चों, मैंने आपको जब हर्निया पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि हर्निया में एक रिंग बनती है, इस रिंग के माध्यम से ही कोई भी अंग, मुख्यतः उदर गुहा के अंग जिसमें इंटेस्टाइन प्रमुख है, वो आ जाती है। हमें क्या करना है, वापस उस अंग को ले जाना है और इस रिंग को जाली बनाते हुए
पैक करना है। इस क्रिया को हम कहते हैं हर्नियोरेपी और यह सर्जरी का प्रकार आता है रिकंस्ट्रक्टिव, यानी पुनः निर्माण किया गया है। तो बच्चों देखिए, रेडिकल सर्जरी नहीं होगा, प्लास्टिक सर्जरी में विकृति को दूर किया जाता है, ऑर्थोपेडिक के अंदर हम हड्डियों का ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आएगा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी यानी वापस बनाना, पुनः निर्माण। अगला आ रहा है रिस्टोरेटिव सर्जरी का अन्य नाम क्या है, यह भी एक तरीका है पूछने का। हम सबको मालूम है जर्नल सर्जरी को हम रिस्टोरेटिव सर्जरी कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ पर आपको दूसरे ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस नाम के लिए आपको सभी सर्जरीज के नाम के उपनाम जरूरी याद रखने हैं।